युवा साथियों, कल सुबह 11 बजे पीपली तिराहा है शाहपुरा। युवा बेरोजगारों का जो संकट आया है, यानी कि पेपर लीक माफियों ने युवा बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है और उनके सपनों का एक तरह से हत्या करने का काम किया है, यानी कि पेपर लीक माफियों का खात्मा करवाने, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करवाने और राजस्थान के आगामी भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए रासुका कानून तत्काल लागू करवाने के लिए भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने और तथा जो तमाम लिप्त कर्मचारी पेपर लीक में उनको बर्खास्त करवाने और जो अपराधी जो भाग गए नेपाल से थाईलैंड उनको तत्काल गिरफ्तार करवाकर उनकी संपत्ति जब्त कर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने, तमाम उन मांगों को लेकर कल युवा आक्रोश महारैली जयपुर जिले के शाहपुरा में हम निकाल रहे हैं। तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है कि कल 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और एक सरकार तक आवाज पहुंचाए कि 2023 है, आने वाले चुनाव है, यदि युवा बेरोजगारों का भविष्य नहीं बचा, युवा बेरोजगारों का भविष्य उनका पेपर ऐसे लीक होता रहा तो 2023 में ये युवा बेरोजगार उन नेताओं का भविष्य लीक कर देंगे। तो तमाम युवाओं से अपील है कल आप पहुंचे, मैं पहुंच रहा हूं शाहपुरा और कल एक आक्रोश महारैली निकालकर सरकार तक सीधा मैसेज पहुंचाएंगे। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, राजस्थान के युवाओं को अब न्याय चाहिए और सीबीआई की जांच के साथ साथ रासुका का कानून चाहिए और जो तमाम डमी अभ्यर्थी हो, नकलची हो, जो भी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं उनको भी आजीवन बाहर किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर कल एक बार फिर अलग अलग जिलों के बाद, जैसे आपने देखा होगा जयपुर जिले में 28 दिसंबर को हुआ, चौमू में 4 जनवरी को, नावा में और कल जोधपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारों अपना आक्रोश दिखाया है। अब कल शाहपुरा में आप सभी को अपने भविष्य के लिए, अपने मां बाप के सपनों के लिए आपको घरों से निकलकर आना होगा और मैसेज करना होगा अब राजस्थान का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, अब पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी चाहिए, सेकेंड ग्रेड का अभ्यर्थियों को न्याय भी चाहिए, वो बस कहां कहां गई थी उसकी भी जांच होनी चाहिए और अपराधियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। अब राजस्थान का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा अन्यथा 2023 में कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो तमाम युवाओं से अपील है कल आइए और अपनी ताकत का एहसास राज्य सरकार को करवाइए। धन्यवाद।